Good morning, all of you. The now, today, we are going to start the new topic, quadrilaterals. Quadrilaterals, Q-U-A-D-R-I-L-A-T-E-R-A-L. Quadrilaterals. So first of all, we should know what is the meaning of the quadrilateral. Quadrilateral made by the two words. First one is the quad, Q-U-A-D, quad, and plus second one is the lateral. यानी कि जो quadrilateral हमारा है, ये जो है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है. पहला है quad, दूसरा है lateral. Quad का मतलब होता है four, यानी कि चार, और lateral का मतलब होता है side, यानी कि भुजाएं. तो क्या इसका मतलब हुआ? Four side closed bounded figure. Known as the quadrilateral. यदि हम हिंदी में बात करें, quadrilateral को हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं. चतुर प्लस भुज. चतुर का मतलब चार, भुज का मतलब भुजाओं. यानी कि चार भुजाओं से बनी हुई आकृति को ही चतुर्भुज कहा जाता है. क्लियर हो गया? इसकी मीनिंग आप समझ गए? टॉपिक की मीनिंग समझ गए? तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार भुजाओं से जो भी घिरी हुई आकृति होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगी, जिसमें आपकी चार साइड्स होंगी और फोर ही आपकी वर्टिसेस होंगी. वर्टिक्स जिसको हम कहते हैं, जैसे वर्टिक्स का मतलब आप कोने समझ लीजिए, ये 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 ये, और जो है फोर ही इसमें एंगल बनते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. अब क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के प्रकार. कितने प्रकार का चतुर्भुज होता है? देयर आर मेनली सिक्स टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स. सिक्स टाइप, व्हाट आर द सिक्स टाइप? फर्स्ट वन इज द रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी एल ई. सेकंड वन स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर. थर्ड वन पैरेललोग्राम, पी ए आर ए एल एल ई एल ओ जी आर ए एन. नेक्स्ट फोर्थ वन इज रोम्बस, आर एच ओ एम बी यू एस. नेक्स्ट फिफ्थ वन ट्रेपेजियम, टी आर ए पी ई जेड आई यू एम. नेक्स्ट लास्ट वन इज काइट, के आई टी ई. अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं आपका चतुर्भुज, जिसको हम कहते हैं वर्ग. चार भुजाओं की आकृति है, स्क्वायर का मतलब वर्ग. पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज. रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज. ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब, और काइट को बोलते हैं पतंग. मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन स्टम कर रहा हूं, उसके ध्यान से आप देखें. तो इसमें अब हमें देखना यह है कि जो हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. फर्स्ट वन है हमारा रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का डायग्राम मैंने जो है यहाँ पर बना रखा है, यह आपका रेक्टेंगल. So what is the meaning of the rectangle? What are the properties of the rectangle? Rectangle किसको कहते हैं? जिसकी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? Equal होती हैं और साथ ही साथ parallel होती हैं. It means AB parallel CD, AB is equal to CD and BC parallel AD, BC is equal to AD. और दूसरी चीज, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है. Each angle measure the 90 degree and both diagonals are bisecting with each other. अब bisecting एक नया वर्ड आपके लिए आया, bisect. By का मतलब two, sect का मतलब काट देना, यानी कि दो बराबर parts में बांट देना. अब ये जो diagonal है, पहला diagonal है AC, दूसरा हमारा diagonal है BD. अब O हमारा जो है intersection point है, intersect कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा AO is equal to OC and BO is equal to D. इसको बोलते हैं bisecting. और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है. कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 360 डिग्री होता है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. सेकंड वन और स्क्वायर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर इन हिंदी? आयत. स्क्वायर का मतलब ये होता है ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल and each angles are 90 degree angle. It means we can say all angles are also equal and both diagonals are bisecting with each other. इसकी भी यही properties होती हैं. क्या बताया हमने?
चारों भुजाएं जिसकी बराबर हों, चारों कोण जिसके 90 डिग्री के हों, और जो दो जो हमारे पास विकर्ण है यानी कि जिसको डायगोनल इंग्लिश में बोलते हैं, ये एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड वन अबाउट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम में क्या होती है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट मींस ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी। आमने सामने की जो साइड होती है वो समांतर होती है। और दूसरी चीज जो होता है पैरेललोग्राम में, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? एडजेसेंट एंगल का मतलब यह है कि जिन दो एंगलों के बीच में एक कॉमन साइड होती है। देखिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, इन दोनों के बीच में एक कॉमन साइड है ए बी। सो दीज आर द एडजेसेंट एंगल। इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। और पैरेललोग्राम में एक चीज और होती है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। और बोथ डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग विद ईच अदर। बाइसेक्टिंग दो बराबर पार्ट्स में बांटना। देखिए दो डायगोनल है, पहला है ए सी दूसरा है बी डी, दोनों ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सो इट मींस अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। तो ये जो है किसकी प्रॉपर्टीज बताई हमने, पैरेललोग्राम की। देन अवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज रोम्बस। रोम्बस इन हिंदी वी कैन से रोम्बस मींस सम चतुर्भुज। सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं वाला, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो क्या मतलब होगा, जो अपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है ये पैरेलल होता है रोम्बस में। दिस वन पैरेलल टू दिस वन, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी। एंड नेक्स्ट थिंग इज बोथ डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग विद ईच अदर एट द 90 डिग्री एंगल। ये इसकी न्यू प्रॉपर्टी है। सो इट मींस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए, ईच एंगल मेजर दी 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और चारों साइडें इसकी इक्वल होती है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है हमारे रोम्बस की। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम मींस पेयर ऑफ वन साइड इज पैरेलल एंड अदर साइड इज नॉन पैरेलल। देखिए यहां पे सीडी जो है ये एडी के पैरेलल है, और जो हमारा एडी है ये जो है सीबी के पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान दीजिए, यदि इसको हम आगे बढ़ाएं और इस साइड को हम आगे ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको कहते हैं नॉन पैरेलल साइड। एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, यदि कोई दो नॉन पैरेलल साइडें आपस में इक्वल हों तो उसको बोलते हैं आइसोसेलियस ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, आइसोसेलियस ट्रेपेजियम। एंड नेक्स्ट वन आवर लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज काइट। काइट को हिंदी में बोलते हैं पतंग। पतंग का शेप भी होता है पतंग। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पतंग में जो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट साइड का मतलब जिन दो साइडों के बीच में एक एंगल कॉमन होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। देखिए ए डी एंड ए बी बोथ आर द एडजेसेंट साइड। व्हाई? बोथ आर कनेक्टिंग बाय ए। ए इज द एंगल, कॉमन एंगल, अंडरस्टूड? तो ए डी और ए बी यहां क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल, मींस दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट। तो इस प्रकार से जो है हमने अपने बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को समझा। तो इसको जो है आपको ध्यान से एक एक चीज को नोट करना है और इसको आपको जो है अपने माइंड पे नोट कीजिए और साथ ही जो है अपनी कॉपीज पर नोट कीजिए। सो थैंक यू।